हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तबस्सुम का चैनल। कैसे हैं आप सब? आए हो, आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि 1 वीक हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आज मैं फिर से व्लॉग बनाऊं। तो आज ऑलमोस्ट काफ़ी लेट मैंने व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी डिनर का टाइम है। तो मैंने करी और चावल ऑलरेडी बना रखे थे, तो उसके साथ मैंने सोचा कि मैं साइड डिश कुछ बना लूँ। बट अगेन, साइड डिश बनाने के लिए मुझे लगा कि हम आज कुछ नया ट्राई करेंगे। तो आज मैं पेपर फ्राई चिकन जो है, बोनलेस चिकन, वो ट्राई करूँगी रेसिपी। तो जाहिर सी बात है, रेसिपी जो है बहुत सिंपल रहेगी और टाइम सेविंग रहेगी। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो होपफुली, उम्मीद करती हूँ कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप सबको ये मेरी रेसिपी पसंद आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप सब मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं एज अ फैमिली। तो मैं हर वो नई चीज़ आप सबके लिए हर बार नई चीज़ लेकर आऊँ और कुछ नया ट्राई करूँ, मुझे भी बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो अभी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी कुकिंग प्रिपरेशन, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। एंड अगर अब तक आप सब ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो उम्मीद करती हूँ कि ये तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक टब लेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें जो है वो मैरिनेट करेंगे। ओके, तो चिकन जो है उसका वो यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने चिकन को जो है पानी जो है उसका बिल्कुल निकाल दिया है, क्योंकि चिकन जो है आफ्टर वॉश बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, क्योंकि हम चिकन फ्राई कर रहे हैं, तो इस वजह से सारा पानी जो है वो निथर चुका है। तो मैंने इसको टब में यहाँ पे डाल दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको बताऊंगी। देखिए, ये जो है पेपर फ्राई मसाला है, जो कि आपको किसी भी पंसारी के शॉप में मिल जाएगा। तो मैंने ये रेडीमेड मंगवा लिया था, तो वो जो है वो इसमें मैं डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैंने एक एक छोटे स्पून से 1 स्पून जिंजर, 1 स्पून गार्लिक लिया है। और अब यहाँ मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर, एक छोटा सा स्पून जितना लिया है मैंने, क्योंकि चिकन जो है उस हिसाब से हमें लेना पड़ता है, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अंडा जो, एग जो है वो एक एग लिया है, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टेस्ट के हिसाब से मैंने एक छोटा स्पून ब्लैक पेपर लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा लिया पेपर का मसाला, जो घर में बनाया था पिसा हुआ पेपर फ्लेवर के लिए। और थोड़ी सी मैंने रेड चिली ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है। ये तीनों मैं इकट्ठा डाल दूंगी एक साथ। और अब बारी आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉल्ट की, तो वो मैंने बहुत कम लिया है, बिल्कुल कम लिया है। अगर कम पड़े तो टेस्ट के हिसाब से थोड़ा और हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सारे मसाले जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी। तो सारी चीज़ें जो है अब उसको मैं मिक्स करूँगी। हल्दी मैंने इसलिए डाला था क्योंकि पेपर फ्राई है, तो चिकन का कलर जो है कम्प्लीटली जो है वो ब्लैक हो जाएगा, तो उस वजह से हल्दी डालने से कलर जो है थोड़ा अलग लगेगा और थोड़ा यू नो अट्रैक्टिव भी लगेगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी इसको जो है मैं फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जब फ्राई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसे किया जाता है इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टोव पे जो है वो मैंने कढ़ाई जो है वो गर्म होने के लिए रखी है।
अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल मैंने डाल दिया है गर्म होने के लिए, ऑयल अभी गर्म हो रहा है। तो अभी ऑयल जो है वो मैंने गर्म के लिए रख दिया है। ऑयल काफी गर्म हो चुका है, चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो आइए फ्राई करने की बारी है, तो चलिए देखते हैं फ्राई करने में करने के बाद जो टेस्ट आएगा और जो उसका स्टाइल है वो किस तरह से आता है, हम वो देखेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, देखिए मैं चिकन जो है वो यहाँ पे डाल दूँ। पहले तो आपको बिल्कुल भी चिकन को स्प्रेड नहीं करना है, जैसा है उसको बस एक ही जगह पर डाल के छोड़िए, क्योंकि मसाला जो है वो सेपरेट हो जाएगा। पकने के बाद आप ऑटोमेटिकली वो खुद सेपरेट हो जाएगा चिकन। बहुत प्यारी स्मेल आ रही है मुझे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उसका फ्लेवर भी काफी अच्छा है। अब टेस्ट के बाद पता चलेगा कि कैसे बनाया। तो अभी इसको इसका फ्लेम जो है वो मैं बढ़ा रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक ले नीचे की तरफ, और पूरे टाइम के बाद एक से दो मिनट के बाद हम इसको दूसरी तरफ पलटा के पकाएंगे। तो इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, और ये सिंस ये ड्राई चिकन है तो इसको थोड़ा वेट करना है, अच्छे से पकना है। इतना ज़्यादा जलने मत दीजिए, इसके पास ही खड़े रहिएगा जब आप कुक कर रहे हो। तो फाइनली हमारी जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है हमारा पेपर फ्राई चिकन जो है, और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डाली हैं। थोड़ा सा सलाद ऐड किया है मैंने, जैसे कि ऑनियन और लेमन का होना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना लेमन के हमारे यहाँ चिकन खाते नहीं है। और टमाटो, और मैंने थोड़ा सा कैबेज यहाँ पे कट करके उसका सलाद भी बनाया है। और अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखिए इतना लजीज और यम्मी है ये। तो यहाँ पे इसका एक जो पीस है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इसका यू नो कलर और फ्लेवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मैं इसको ठीक से पकड़ नहीं पा रही हूँ। आप देख सकते हो कितना प्यारा और लजीज बना है। गोश्त जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा गल चुका है, अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है। तो ये जो रेसिपी है मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपकी और भी फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ, शेयर कर सकूँ और अच्छे अच्छे नए आइडियाज़ आप सबके लिए। थैंक यू। तो फाइनली रेसिपी जो है वो बन गई है, और अभी सब लोग खाना खा रहे हैं। और मैंने एक बार टेस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छी लगी, और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि सबको ये जो रेसिपी है बेहद पसंद आ चुकी है। तो इस बात की बहुत खुशी है मुझे। इंशाल्लाह आगे भी कुछ नई वीडियोस, नए आइडियाज़ के साथ हम ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।